सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूम इनसाइटर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में एसआईटी जांच रोकी गई, आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने दी जानकारी। सीएम आतिशी को सोनम वांगचुक से मुलाकात करने से दिल्ली पुलिस ने रोका, बोली ये लोकतंत्र की हत्या है। बीकानेर में सामूहिक आत्महत्या, 3 की मौत, 1 बच्चा गंभीर हालत में भर्ती। डिजिटल हाउस अरेस्ट स्कैम गिरोह का एक ठग छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, लाखों रुपए का लगाया था चूना। राहुल गांधी मानहानि मामले में फिर टली सुनवाई, अब 9 अक्टूबर को पेश करना होगा सबूत। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। हल्द्वानी में घरेलू विवाद में पति के सिर पर हुआ खून सवार, गुस्से में पत्नी की कर दी हत्या। देहरादून के सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, कप्तान ने खुद लिया संज्ञान, यूपी के 2 युवक गिरफ्तार। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS की 100 सीटें आवंटित, सीएम धामी ने PM का जताया आभार। हल्द्वानी में ITI गैंग एक्टिव, युवक ने पिटाई के मामले में एक सदस्य गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बाजपुर में रिश्ते हुए तार तार, बेटे ने 65 साल की दिव्यांग माँ के साथ किया दुष्कर्म। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइटर ऐप। जय हिंद।